3:13 हो गए हैं 24 तारीख के। पिछला व्लॉग आपने देख लिया होगा, हम इंडिया जाने के लिए निकले थे लेकिन हमें ब्रिटिश एयरवेज वालों ने जाने नहीं दिया, तो हमें रुकना पड़ा यहाँ पर ब्रैम्पटन एक रात। फिर हमने आज सुबह एक और टिकट करवाई है इंडिया जाने की। अभी है हमारी डायरेक्ट फ्लाइट टोरंटो टू दिल्ली, कोई स्टे नहीं है बीच में। तो अभी लेकिन ये जो फ़्लाइट हुई है ना, दो फ्लाइट हमारी हुई है ऑलमोस्ट $3,500 की, मतलब फिर से पैसे लग गए इतने, लेकिन जाना ही था। अभी फिर क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट है तो अभी हम एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल रहे हैं। हमारी फ्लाइट रात को 8:10 की, तो बस चलते हैं। एनी वेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग, ये नया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल। बस हमने अपने लगेजेस रख लिए हैं, अब गाड़ी में 4 बैग रखे हैं और बस अभी निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए। बस अब से ही रहे हमारा सफ़र, क्योंकि टाइम काफ़ी है हमारे पास। अभी तक भी इंडिया में हमारी फैमिली को कुछ नहीं पता कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ और कैसे कैसे हमारी फ़्लाइट वगैरह का चक्कर पड़ा है। बस सारा कुछ अब इंडिया जाकर ही बताएंगे अब उनको। ऑलमोस्ट अब पहुंचने लगे हैं एयरपोर्ट, आ ही गया है, मतलब ये देखो बस अभी एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, डिपार्चर की तरफ ही जा रहे हैं। अब 56 हुए हैं अभी, लेकिन टाइम पर पहुंच गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है टोरंटो एयरपोर्ट पर। फाइनली रीच्ड एयरपोर्ट, अभी पहुंचे हैं। ये रही हमारी ट्रॉली, रेडी हो गई है, टाइम हो गया है पूरे 4:02, टाइम पर पहुंच गए हैं। बस अभी अंदर जाना है एयरपोर्ट पर और जाकर अपनी चेकिंग वगैरह करवाते हैं, अंदर जाकर पता चलेगा। देखो हमने बिल्कुल लास्ट में अपनी गाड़ी लगाई हुई है क्योंकि फुल लाइनअप लगा हुआ है यहाँ पे। फाइनली रीच्ड एयर कैनेडा, तो हमारा चेक इन घर पे तो हुआ नहीं था, तो अभी एयरपोर्ट पर ही करेंगे। यहाँ पे इकोनॉमी क्लास है हमारी, तो मे बी यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। ब्रिटिश एयरवेज वालों ने हमें जाने नहीं दिया, तो कल की टिकट तो गई खराब, आज सुबह एक और टिकट करवाई। पहुंचते मजा आ गया भाई, हमारा दिवाला निकल गया। दो टिकट करवानी पड़ी। सी यू। फाइनली सारा कुछ डन हो चुका है। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग रिलीफ कि हो गया है, शुक्र है। मुझे तो लगा था आज भी नहीं जाने देंगे, जितनी बुरी किस्मत थी हमारी, जितनी किस्मत हमारे साथ खेल रही थी, लेकिन फाइनली हो चुका है सब कुछ और अब हम जा रहे हैं अपनी गेट की तरफ। बोर्डिंग भी हो गई है हमारी, डन, फाइनली एवरीथिंग इज़ डन नाउ, लेट्स गो टू द गेट। तो अभी भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है अपनी बोर्डिंग के लिए। ये वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा, ये व्लॉग था पार्टी नाइट का हमारा व्लॉग, जो हमने पार्टी की थी। बस देखो बैठे हुए हैं, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। दिस इज़ टोरंटो एयरपोर्ट, देखो सामने इतने सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं बाहर। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, अभी टाइम हुआ है 5:55 हम, और हमारी फ़्लाइट है 8:10 की और हमारी बोर्डिंग शुरू होनी है 7:40 पर, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे अभी भी पड़े हुए हैं हमारे। तो अभी बस बोर्डिंग शुरू होने लगी है, तो लाइन तो बहुत लंबी हो गई है हमारी, यहाँ पर बोर्डिंग होनी है। वो हिंदी में कह रहे हैं सभी को कि अगर किसी ने अपने कैरी ऑन लगेज जमा करवाने हैं ना, तो फिर वो करवा सकता है आकर, क्योंकि प्लेन में इतने ज़्यादा सवारियाँ हो गई हैं कि लगेजेस के लिए अंदर जगह नहीं होगी कैरी ऑन लगेज के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना लगेज जमा करवा दूँ। पूरे 7:30 हो गए हैं, जस्ट अपलोडेड माई व्लॉग, अभी एडिट किया था, एडिट तो मतलब था ही, पहले एडिटर ने एडिट करके भेजा था ना, फिर उसके बाद अब उसका थंबनेल बनाया, टाइटल लिखा, सारा कुछ डन करके स्केड्यूल कर दिया है, वो हो जाएगा अपलोड, आपने देख भी लिया होगा काफ़ी दिन पहले। तो ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर ये लाइन लगी हुई ना, ये सारी लाइन है हमारे इंडिया जाने वालों की और ये लाइन आगे तक जाती है, तो हमें अब लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज हम यहीं पर रह जाएंगे।
अभी टाइम हुआ है पूरे 9:15 और अभी अभी लैंड हुए हैं। वैसे फ्लाइट लैंड होनी थी 8:30 बजे, थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं। तो अभी बस बाहर ही निकले हैं प्लेन से और लिटरली स्मेल आ रही है पटाखों की। दिवाली थी भाई, पता चल रहा है कि कल दिवाली थी। और अभी बस जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, वहाँ पर इमिग्रेशन वगैरह होनी है और हमारी अब हमने बैगेज वगैरह कलेक्ट करने हैं वहाँ से। फाइनली वी आर आउट नाउ। सो बहुत मुश्किल से यार लगेज मिले हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। कह रहे थे कि ठंड होगी लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं भी बैग वगैरह उठाए हैं उसकी वजह से। अभी बस बुलाया है किसी को, ड्राइवर को, टैक्सी वाले को, तो जिसके साथ हम हमेशा आते हैं, तो वो मैं लेने के लिए आया, उसके साथ अभी घर जाना है। चलो भाई फाइनली वी आर आउट नाउ, तो अभी बस जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, अब पता चल रहा है कि भाई दिवाली है इंडिया में। तो अभी बस मन्नत ढाबे पर रुके थे हम, लैंड तो हो गए थे ना टाइम पे, एकदम सही टाइम पे तो नहीं लैंड हुए। हमारी फ्लाइट 1 घंटा लेट चली थी वहां से टोरंटो से, और फिर यहाँ पर हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट 1/2 घंटा लेट लैंड हुई। फिर लैंड होने के बाद ना जो सबसे बड़ी मुश्किल आई वो आई कि हमें अपने बैग वगैरह ढूंढने में। और जो आपको बताया था ना कि हमने एयर टैग लिए थे, वो एयर टैग काफी ज्यादा काम आए सच में, तो उनको ढूंढने में ऑलमोस्ट 1/2 घंटा 45 मिनट गए। फाइनली वी हैव रीच्ड। मुझे अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमें सरप्राइज देने लगे, अपनी फैमिली को सरप्राइज देना है हमने कल सुबह, और उनको पता भी नहीं है मैं ऑलरेडी इंडिया में लैंड हो चुका हूँ और मैं इंडिया में ही घूम रहा हूँ, उनको ये भी नहीं पता। तो अभी सुबह के 9:10 हो गए हैं, कल रात के निकले हुए हैं एयरपोर्ट से, दिल्ली से। बस अभी होशियारपुर पहुंचने ही लगा हूँ, ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, मतलब बस 10 मिनट का रास्ता रहता है। और आज भाई दूज भी है यहाँ पर, तो फिर देखते हैं कैसा रहता है घर पे। तो अभी काफी हम प्लानिंग सी कर रहे हैं, मेरी मासी के लड़के के साथ मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने कजन के साथ, तो और अपने एक फ्रेंड के साथ, राजीव के साथ, तो हमारी चल रही है काफी प्लानिंग। तो देखते हैं अब अगर बन जाए ना बात बढ़िया। ये देखो मैंने आज तक आपको सिर्फ हैलिफैक्स का ही वो दिखाया है टोल, जो वहां पे दिखाता हूँ, ये देखो हमारे होशियारपुर का टोल। तो देखो बस आ गया है हमारा एरिया, इधर मेरा स्कूल होता था, इधर गिरा यहाँ पे। तो अभी बस घर पे पहुंचने लगे हैं, और साथ में ही मेरा कॉलेज भी था यहाँ पे, पास में ही है अब तो। तो अभी हमने क्या सोचा है कि ये मेरे घर की ना पिछली वाली गली है, जो तो जो बैक साइड घर लगता है ना, तो वहां से अब हम घर पे जाएंगे। आजो 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 हम मैंने देखना पैना घर कहना लगता मैं नहीं याद और अपना घर मैं लगता इतने कि होना है, इन्ना अगे तो नहीं सी अपना घर, इतने कि होना। मिलो इनसे पंडित जी, इनको देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में, भाई क्या हाल है, क्या हाल है, दोबारा मिलकर अपने ये दोस्तों हम घर कहना सब लगता 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 को ये वाला घर लगता है, ये बैक साइड है घर की। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अंदर जाया जाए, वो सामने वहाँ पर मेरा घर है और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बस वो अंदर कैमरे लगे हुए हैं ना, तो अर्जुन वो कैमरा वगैरह अभी बंद करवा रहा है सारे। भाई एक्साइटेड हो आप? वो सामने हमारा घर है और हम इस घर को गिर टप्पण के अंदर इंग्लिश हिंदी जंप करके लगा जंप करके जा की कहना चाहूंगे, अपने घर तो पहुंच चुके हैं लेकिन हमारा घर लोग है एयरपोर्ट के साथ। मैं अपने मासी के लड़के के साथ बात कर रहा हूँ, वो नीचे है हमारे घर में। सच्ची नहीं पता तू आ रहा है? मैंने सच्ची नहीं पता तू आ रहा है? 1% भी नहीं पता, इन्हें लगता मैं ब्रैम्पटन घूम रहा हूं। जल्दी कर दरवाजा खोल आ गए, पता नहीं जा होना करी, मेनू नहीं लगता वो बेचारा कल्ला ही फसल गया थल्ले। रोटी ना खान बह जी, ओए जे रोटी खान बह गया ना 20 मिनट और गए, जल्दी आओ ऊपर। ओए ऊपर है, ऊपर आ किसी बहाने से। हां तू को मंदिर मत्था टेकने चलना, मैं ऊपर मत्था टेकने के बहाने आऊं ऊपर मंदिर।
ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਗਏ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੀ ਆ